नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के द्वादश भाव के विषय में और ये जानेंगे कि कुंडली का बारहवां भाव किस प्रकार से समस्याओं से मुक्ति देता है, जीवन में किस प्रकार से समस्याओं का निवारण करता है। कुंडली के बारहवें भाव के अंदर यदि क्रूर ग्रह हों तो किस प्रकार का ये फल उत्पन्न करते हैं, इसे जानेंगे। इसके अलावा यदि कुंडली के बारहवें भाव के अंदर शुभ ग्रह उपस्थित हों तो किस प्रकार की स्थितियों को बताते हैं। कुंडली के बारहवें भाव में यदि शुभ या अशुभ ग्रह दृष्टि डालते हैं तो उन दृष्टियों का क्या मतलब होता है और किस प्रकार का फल ये देते हैं। कुंडली का बारहवां भाव यदि खाली हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझने का प्रयास भी आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आज के वीडियो से आप प्रमुख रूप से ये समझ पाएंगे कि कुंडली के बारहवें भाव में समस्त ग्रह अपना किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। इसके अलावा बारहवां भाव जीवन की समस्याओं से मुक्ति देने का काम किस प्रकार से करता है, इस विषय वस्तु को आसान और सरल तरीके से आप आज के वीडियो में जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, यदि कुंडली के द्वादश भाव की बात करें तो कुंडली का द्वादश भाव लग्न से बारहवां होता है, यानी लग्न का व्यय करवाने वाला ये भाव है। जीवन की समस्याएं हों, ये बात सच है कि कुंडली का बारहवां भाव लग्न का व्यय कराता है, लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो लग्न का व्यय करवाना कुंडली का बारहवां भाव क्योंकि बंधनों से मुक्ति का भाव भी है, तो जातक या जातिका को जीवन के बंधनों से मुक्त करवा देता है। ये कुंडली का बारहवां भाव, जैसा आप जानते हैं कि रोग से मुक्ति का भाव भी कहलाता है, अस्पताल का भाव है, खर्चों का भाव है। लेकिन आप ध्यान दें कि यदि आप बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल में यदि भर्ती हो भी गए तो ये कर क्या रहा है, रोगों से मुक्ति दिलवाने का ही तो कार्य कर रहा है। इसके अलावा जेल का भाव भी यही है, यानी किसी प्रकार के कानूनी अपराध किसी व्यक्ति ने यदि किया हो तो जेल का या जेल का विचार भी हम कुंडली के बारहवें भाव से करते हैं। तो कुंडली का बारहवां भाव कर क्या रहा है, उसके अपराध से मुक्त करवाने का कार्य ही तो उसे कर रहा है। इसके अलावा कुंडली का बारहवां भाव खर्च का भाव भी है हालांकि, लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो खर्च यदि हो रहा है तो केवल आपको ये गौर करने की ज़रूरत है कि जो खर्च हो रहा है, खर्च होना बुरा नहीं, लेकिन खर्च किस बात पर हो रहा है, तो ये बताएगा ग्रह कि कौन सा ग्रह वहाँ पर बैठा हुआ, शुभ ग्रह बैठा हुआ है, अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, किन ग्रहों का दृष्टि प्रभाव है। तो अगर आप देखा जाए तो खर्च किस प्रकार के होंगे, शुभ कार्यों के अंदर होंगे या अशुभ कार्यों के अंदर होंगे, ये कुंडली का बारहवां भाव बताएगा। कुंडली का बारहवां भाव ये बताता है कि जातक या जातिका फिजूल खर्ची करेंगे या नहीं करेंगे। कुंडली का बारहवां भाव ये बताता है कि जातक या जातिका विदेश में रहेंगे या जन्मस्थान से दूर रहेंगे या स्वगृही होकर रहेंगे, यानी अपने ही देश में रहेंगे। कुंडली का बारहवां भाव, कोई व्यक्ति विदेश कब जाएगा, या तो कोई ना कोई अर्निंग करने के लिए वह जाएगा या व्यापार करने के लिए जाएगा, या आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग अपने जन्म स्थान का त्याग कर देते हैं, तो क्या वह जन्म स्थान का त्याग जानबूझकर कर रहे हैं या परेशान होकर कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति परेशान होकर जन्म स्थान का त्याग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बारहवां घर उसके लिए लाभदायक बना या उसके लिए प्रभावकारी बना, ठीक है, ये ऐसा मानकर वह जाएगा। यदि वह चाहेगा कि जन्म स्थान में जो समस्याएं उसको हो रही हो वो दूर वाली जगहों पर ना हो, तो बारहवां घर क्या कर रहा है, उसको समस्याओं से मुक्ति दिलवाने का कार्य कर रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि स्वदेश में उसको जो सुख नहीं मिला क्या वो विदेश में मिल पाएगा, ये प्रश्नवाचक है, ठीक है। अब ये तय करेगा कि कुंडली के बारहवें भाव में ग्रहों की स्थिति क्या है, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं। यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो मित्र ग्रही होकर बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं, या क्या वह पीड़ित हो रहे हैं क्या वहाँ, तो इन सारी बातों पर विचार आपको करना होगा। अब ध्यान रखें, कुंडली के बारहवें भाव से हम लाभ या हानि का भी विचार करते हैं। निवेश में अगर हमने कोई किसी कार्य के अंदर हमने निवेश किया है तो उसमें हमें लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, इसे भी देखना होगा। तो ये कुंडली का बारहवां भाव भी तय करता है। शिक्षा विदेश में होगी या स्वदेश में होगी, तो कुंडली के बारहवें भाव से पता चलता है कि कोई जातक या जातिका अपनी शिक्षा विदेश में प्राप्त करेंगे या करियर विदेश में करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए आपको कुंडली का बारहवां भाव भी देखना होगा। यानी उनका करियर अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा विदेश में, तो इसके लिए भी कुंडली का बारहवें भाव में बैठे हुए ग्रह और कुंडली के बारहवें भाव में ग्रहों का दृष्टि प्रभाव होना, इन सारी बातों पर विचार करना होगा। इसके अलावा किसी शरीर के किसी अंग का भंग हो जाना या विवाह विच्छेद हो जाना, ये चीज़ें भी जो कहीं ना कहीं कुंडली का बारहवां भाव बताएगा, यानी बारहवां भाव पृथकता को भी बताता है।
तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कुंडली के 12वें भाव के अंदर यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हों तो किस प्रकार का फल दे सकते हैं। मित्रों ध्यान रखें कि कुंडली के 12वें भाव के अंदर यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हों तो सबसे पहले ये देखें कि गुरु 12वें घर के अंदर गए हैं तो क्या वह योग कारक ग्रह बनकर गए हैं या कुंडली के अकारक ग्रह बनकर गए हैं। यदि योग कारक ग्रह बनकर कुंडली के 12वें भाव के अंदर यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हैं तो आप ये देखें कि वह स्वगृह हैं, मित्रगृह हैं, ये उच्च राशि के हैं, ये नीच राशि के, शत्रु राशि के। यदि ग्रह उच्च राशि का होकर यानी कर्क राशि का होकर कुंडली के 12वें घर के अंदर गए हैं यदि गुरु, या फिर मित्र राशि के होकर या स्वगृह होकर यदि 12वें घर के अंदर गए हैं और बलवान हैं, लग्नेश के तात्कालिक रूप से मित्र बन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में देखिए जिस भाव के स्वामी ये बन रहे हैं उन भावों से संबंधित लाभ जातिका को जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर मिल पाता है। इसके अलावा शत्रुओं पर विजय होगा। यदि जन्म स्थान से दूर जाकर भी रहेगा, यदि लग्नेश की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ हो, यह कह सकते हैं कि मजबूत हो, लग्नेश शुभ स्थिति में हो, लग्न भाव स्ट्रांग हो, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक या जातिका विदेश में जाकर धन अर्जन कर सकते हैं क्योंकि गुरु धन के कारक भी हैं। और जिसके अलावा जिन भावों के स्वामी ग्रह बने उन भावों से संबंधित भी लाभ कहीं ना कहीं जातक जातिका को देखने को मिल सकता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में, कानूनी मामलों में जातक सफलता प्राप्त कर पाएगा। इसके अलावा धन की स्थिति बेहतर कर पाएगा दूर वाली जगहों पर, ठीक है। हालांकि किसी भी ग्रह का 6वें, 8वें या 12वें भाव के अंदर जाना सामान्यतः ठीक नहीं होता, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ग्रह यदि मजबूत होकर गया है तो निश्चित रूप से जातक विदेश में या दूरस्थ स्थान वाली जगहों में सफलता प्राप्त कर पाता है, व्यावसायिक लाभ इत्यादि कमा पाता है। इसके विपरीत मान लीजिए गुरु ग्रह कुंडली के 12वें घर के अंदर तो बैठे हुए हैं लेकिन नीच राशि के हो गए, शत्रु राशि के हो गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जिन भावों के स्वामी ग्रह बने हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि गुरु आपकी कुंडली के अंदर चतुर्थेश बनकर कुंडली के 12वें घर के अंदर गए हैं, हालांकि चतुर्थ भाव से कुंडली का 12वां भाव अगर हम देखें तो नवा होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ग्रह खराब राशियों के अंदर बैठा हुआ है, पीड़ित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं फिर जातक को धन से संबंधित दिक्कतें, विदेश में दिक्कतें, जिन कार्यों के लिए गए हैं उनमें समस्याएँ होना, पेट से संबंधित परेशानियाँ होना, ठीक है। इसके अलावा धन बचाने में परेशानियों का अनुभव होना, क्योंकि जब 12वें घर के अंदर गुरु ग्रह बैठेंगे तो निश्चित रूप से अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु से परेशान करे, जातक उनसे समझौता कर ले, इस प्रकार की स्थितियाँ बन सकती हैं। हालांकि इनकी पंचम दृष्टि जो है वो कुंडली के चतुर्थ भाव पर जाएगी, वो निश्चित रूप से जो है जातक जातिका को यदि कुंडली में ये कारक ग्रह बन रहे हैं तब जो है वो कहीं ना कहीं जातक को भूमि भवन वाहन और घरेलू सुख में वृद्धि करने वाली ही ये स्थिति कही जाएगी। हालांकि खर्चे बने रहेंगे, कोई समस्याएं बनी रहेंगी जिसके कारण उन सुखों का अनुभव उसे सामान्य रूप से नहीं होगा या कम मात्रा में होगा। तो गुरु सौम्य प्रकृति का ग्रह, विदेश में हो या फिर कहीं पर भी हो, जातक को जो है वो समझौतावादी स्थिति जातक की बना देता है। जातक व्यर्थ की परेशानियों दिक्कतों से बचना चाहता है। आइए अब बात करते हैं कि कुंडली के 12वें भाव के अंदर यदि गुरु बैठे हुए हैं तो कुछ बातों को और ध्यान रखना होगा, हमें वो ये समझना होगा कि कुंडली के 12वें घर के अंदर यदि गुरु बैठे हुए हैं तो आलस्य की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है, क्योंकि 12वां घर जो है वो शयन वाला भाव भी है, ठीक है, तो शयन वाला भाव होने के कारण आलस्य बढ़ सकता है कई बार, तो जातक जातिका को थोड़ा सा सावधान यहाँ पर रहना चाहिए। यदि गुरु निगेटिव प्रभाव दे रहे हो, यदि गुरु मान लीजिए अच्छा प्रभाव दे रहे हो तो निश्चित रूप से गुरु जो है जानमान की सुरक्षा करने का कार्य ही यहाँ पर करेंगे, क्योंकि इनकी नवी दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर जाएगी और अष्टम भाव पर दृष्टि जाने के कारण आयु में वृद्धि करने वाली ये स्थिति होगी। धार्मिक रूप से जितना धार्मिक रहेंगे उतना ज़्यादा जो है जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे या अच्छी स्थिति निर्मित हो पाएगी। आइए बात करते हैं शुक्र के विषय में। मित्रों शुक्र भी जो है सौम्य प्रकृति का ग्रह, शुक्र यदि कुंडली के 12वें घर के अंदर बैठेंगे तो निश्चित रूप से अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनते हैं। यदि स्वगृह होकर बैठे हुए हैं और मित्रगृह होकर बैठे हैं या उच्च राशि होकर बैठे हुए हैं तो शुक्र यहाँ पर निश्चित रूप से अच्छा फल देंगे। अच्छा फल इनका ये होगा कि भौतिक सुख साधन आसानी से सुलभ हो जाएंगे। इसके अलावा मकान, दुकान और प्रॉपर्टी जातक बढ़ा पाएगा, लेकिन शुक्र के पास बल हो, यहाँ पर बलवान स्थिति में हो और अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाती तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। फिर धन प्रदाय की स्थिति बनेगी, निश्चित रूप से जातक धन धान से संपन्न होता, लेकिन इसके लिए ग्रहों की दशाएं समय पर आनी चाहिए, ठीक है, और मित्रवर्ग इत्यादि से जातक को लाभ हो सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए शुक्र यहाँ पर पीड़ित हुए या नीच राशि के हुए तो ऐसी स्थिति में भोगविलास इत्यादि में अत्यधिक लिप्त होना, इस प्रकार की आशंका बनी रहती है। आशंका इसलिए क्योंकि अन्य स्थितियाँ भी देखनी होगी, अन्य ग्रहों का प्रभाव भी देखना होगा। 12वां भाव क्योंकि शयन वाला भाव भी है तो चारित्रिक पतन कई बार जो है करा देता है,
ठीक है, जरूरी नहीं ऐसा हो, क्योंकि अन्य ग्रह जैसे सप्तम भाव, सप्तमी की स्थिति और शुक्र पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव भी देखना होगा। हालांकि यहाँ पर नीच के या वक्री हो गए तो ऐसी स्थिति में जो है वो, अगर मान लीजिए शुक्र खराब प्रभाव दे रहे हैं तो अशुभता में कमी, यदि यदि ग्रह शुभ स्थिति में बैठा हुआ है और फिर वक्री हो गए तो शुभता में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी देखी जाती है। हालांकि शुक्र 12वें घर में अति विशिष्ट योग कारक ग्रह होने के कारण काफ़ी हद तक जो है लाभ देते हुए पाए जाते हैं। मित्रों, कुंडली के 12वें भाव के अंदर यदि बुध ग्रह बैठे हुए हैं तो ध्यान रखें, बुध ग्रह कुंडली के 12वें घर के अंदर बैठेंगे तो निर्भर करेगा कि यह किस राशि में बैठे हुए हैं। यदि ये स्वगृही होकर उच्च राशि के होकर, यानी कन्या राशि के या मिथुन राशि के होकर, या फिर मित्र राशि जैसे वृषभ राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि इत्यादि में बैठे हुए हैं और शुभ ग्रहों से युत हो गए हैं, अगर ग्रह शुभ ग्रह के द्वारा युत हो गया है तो अच्छे फल देखने को भी मिलेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए अशुभ ग्रह से युत हो गया है तो बुध के अशुभ फल भी कई बार जो है दृष्टिगोचर होते हैं, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देना भी चाहिए। बुध 12वें घर के अंदर जाएगा तो विदेश इत्यादि में जातक नौकरी कर सकता है, विदेश में रहकर जातक जो है अपना व्यवसाय जो है बढ़ा सकता है और अध्यात्म इत्यादि में भी रुचि ले सकता है, लेखन गायन संपादन इत्यादि चीज़ों में या व्यापार के माध्यम से जो है जातक जो है सफलता प्राप्त करता है। देखिए, कुंडली के 12वें घर में यदि बुध ग्रह पीड़ित हो रहे हों तो बुरी लत लग जाना, ठीक है, बुरी संगति में चले जाना, मानसिक अशांति बने रहना और आलस्य बने रहना, इस प्रकार की समस्याएं सामान्यतः देखी जाती है। लेकिन शुभ स्थिति में हुआ तो विदेश में जातक जो धन कमा पाता है। कुंडली के 12वें भाव के अंदर यदि बुध ग्रह बैठे हुए हों तो और शुभ स्थिति में हो तो निश्चित रूप से जातक के अंदर देवी ज्ञान होता है और कहीं ना कहीं वह उन कार्यों के अंदर सफलता भी प्राप्त कर पाता है, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव दान और पुण्य का भाव भी है और यहाँ पर गुरु और या बुध जैसे ग्रह यदि शुभ स्थिति में हो तो निश्चित रूप से जातक धार्मिक पुण्यों के माध्यम से भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है और उनका धार्मिक पुण्य करके लाभ कमा पाता है, ठीक है, यानी धार्मिक लाभ कमा पाएगा, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है। आइए बात करते हैं चंद्रमा के विषय में। देखिए, चंद्रमा का सामान्यतः कुंडली के 12वें भाव के अंदर जाना मैं उचित नहीं समझता या ठीक नहीं मानूंगा, क्योंकि चंद्रमा एक बेहद ही नाजुक किस्म का ग्रह है। यदि कुंडली के 12वें भाव के अंदर जाएगा या छठे भाव के अंदर बैठकर 12वें भाव से संबंध बनाएगा तो मानसिक विचारों में उतार चढ़ाव बने रहना ये सामान्य प्रकार की बातें हैं और इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। कोई ना कोई ऐसा कार्य जिसमें उसकी चला फिरी ज़्यादा हो, चलने फिरने वाला कार्य ज़्यादा हो और ट्रेवल करने वाला कार्य हो, उसमें जातक या जातिका देखे गए हैं और शुभ स्थिति में होना चाहिए, हालांकि तभी वह लाभ दे पाएंगे, ठीक है। और कुंडली के 12वें भाव के अंदर यदि मान लीजिए कि चंद्रमा बैठे हैं लेकिन स्वगृही होकर बैठे हुए हैं, यानी अपनी ही राशि कर्क राशि के अंदर बैठे हुए हैं, तो काफ़ी बढ़िया, और गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो शुभता आ जाएगी। अब चंद्रमा यहाँ पर मान लीजिए पीड़ित हो गए तो ये ठीक नहीं माना जाएगा, कहीं ना कहीं श्वास संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं और इसके अलावा श्वास से संबंधित, ठीक है, परेशानियाँ होना या एलर्जी वगैरह होना, इस प्रकार की दिक्कतें यहाँ पर जो है चंद्रमा देते हैं। और जिस भाव के स्वामी अन्य राशियों के अंदर यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं तो जिस भाव के स्वामी बन रहे हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव बना रहता है, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। 12वें भाव के अंदर यदि गए हैं चंद्रमा तो जल इत्यादि से भय बना रहेगा, जातक एकांत प्रिय होगा और जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाएगा यदि दो या दो से अधिक ग्रहों के द्वारा ये पीड़ित हो जाए तो। यात्राओं का शौकीन जातक या जातिका ऐसे होते हैं, ऐसा देखा गया है। तो चंद्रमा का सामान्यतः 6वें 8वें या 12वें भाव के अंदर जाना ठीक नहीं माना जा सकता, और ऐसी स्थिति में यदि मान लीजिए पीड़ित हो रहे हों तो आप इनके वैदिक मंत्र बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम का गुंजन करें, योग वगैरह करें और जितना हो सके स्थिर रहने का प्रयास करें, ध्यान इत्यादि करें, तो निश्चित रूप से जो है चंद्रमा की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार लाया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि चंद्रमा यदि पीड़ित हो रहा हो 6-8-12 के अंदर तो आपको चंद्रमा के उपाय तो करने ही चाहिए, उपाय करने के साथ साथ अपने आप को भी संतुलित करने की जरूरत होती है, क्या करना क्या नहीं करना है, जल्दबाजी करने से थोड़ा सा बचें और जरा सी व्यर्थ की कल्पनाएं ना करें। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं कि कुंडली के 12वें भाव में यदि क्रूर ग्रह आकर बैठ जाए। देखिए, क्रूर ग्रहों की श्रेणी में यदि हम बात करें तो मंगल आते हैं, ठीक है, क्योंकि अग्नि तत्व के ग्रह हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल के विषय में। देखिए, मंगल ग्रह यदि 12वें घर के अंदर स्वगृही होकर, यानी खुद की राशि मेष राशि या वृश्चिक राशि होकर यदि बैठ जाए, या फिर मित्र राशि जैसे धनुराशि या मीन राशि होकर बैठ जाए, या फिर सिंह राशि के अंदर बैठ जाए, सिंह राशि क्योंकि इनकी मित्र राशि होती हैं, तो हालांकि 6-8-12 के अंदर सामान्यतः ठीक नहीं माना जाता फिर भी, लेकिन ठीक है। लेकिन अगर स्वगृही मित्र के उच्च राशि को अगर बैठे हुए हैं
और नॉर्मल प्रकार का इनके पास बल है। नॉर्मल का मतलब ये है कि कम से कम, क्योंकि अगर मंगल जैसा ग्रह अगर छठवें या आठवें या बारहवें भाव के अंदर ज़्यादा मजबूत होकर बैठ जाएगा तो हमने देखा है कि समस्याएं भी कई बार उत्पन्न होती हैं। बारहवें भाव के अंदर यदि ये शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और ये गुरु इत्यादि से दृष्ट हो गए तो निश्चित रूप से जातक विदेश से जुड़कर अर्निंग कर पाता है और प्रॉपर्टी इत्यादि के माध्यम से भी जातक जो धन अर्जित कर पाता है ऐसा देखा गया है। मंगल से संबंधित कार्यों से जातक को लाभ प्राप्त होगा। लग्नेश बलवान हो और इनके साथ तात्कालिक मित्रता हो रही हो तो निश्चित रूप से विदेश की धरती पर रहकर भी ये कार्य में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। और हालांकि दशांतर दशा समय पर आनी चाहिए और यह जन्म स्थान से दूर रहकर भी कोई अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित होती हुई देखी गई हैं। मित्रों बारहवें भाव के अंदर यदि मान लीजिए कि मंगल पीड़ित हो जाते हैं, नीच राशि के हो जाते हैं तो जातक जातिका कार्यों में लापरवाही बरतें, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होंगी। यह होती हैं कानूनी अड़चनें देना, क्योंकि मंगल जल्दबाजी करवाएगा और जल्दबाजी में कोई ना कोई गलत निर्णय जातक जातिका कर बैठती है जिसके कारण जो है उसे मानसिक क्लेश होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं, कहने का तात्पर्य है। तो उग्रता पर यहाँ पर अब नियंत्रण करने की जरूरत पड़ती है। बारहवें भाव के अंदर जब मंगल जाएगा तो निश्चित रूप से जातक को ये मांगलिक भी बनाएगा। तो यदि आप मांगलिक बन रहे हैं तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी या पंडित जी से संपर्क करें और उनकी सलाह लें और मंगल दोष की शांति करा सकते हैं उनके बताए अनुसार। तो मंगल का कुंडली के बारहवें भाव में जाकर मजबूत होना और पीड़ित होना, जैसे मान लीजिए बारहवें भाव के अंदर मंगल ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल राहु की युति बन रही है, मंगल शनि की युति बन रही है या फिर मंगल केतु की युति बन रही है, तो ये से समानता बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में आप उनसे संबंधित दोषों की शांतियाँ करा सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से सलाह लेने के बाद। आइए अब चर्चा करते हैं सूर्य के विषय में। मित्रों सूर्य यदि कुंडली के बारहवें भाव के अंदर जाता है तो देखिए बारहवें भाव में सूर्य यदि जाएंगे तो पहली बात तो ये भी एक अग्नि तत्व के ग्रह, और बारहवें भाव में यदि सूर्य बैठेंगे तो यदि ये मित्र ग्रह होकर स्वग्रह होकर या उच्च राशि के होकर यदि बैठ जाएँ तो जातक विदेश के माध्यम से या धार्मिक कार्यों के द्वारा या किसी प्रकार के सेवा कार्यों के माध्यम से धन भी अर्जित कर पाएंगे और मान सम्मान भी अर्जित कर पाएंगे। जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर लाभ प्राप्त कर पाएंगे, चाहे वो निवेश कर रहे हो आप या कोई व्यापार कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी अच्छा आयोजन वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पर जो है फ़ायदा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मिलता है। और या धार्मिक रूप से भी कोई भी कार्य कर रहे हो आप, ठीक है, या जिस भाव के स्वामी ग्रह सूर्य बन रहे हैं उस भाव से संबंधित लाभ विदेश में या जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर मिल पाता है। अब डिपेंड करेगा कि सूर्य किस भाव के स्वामी बन रहे हैं, ये आपको देख लेना चाहिए। ये शुभ स्थिति की बातें हुई, ध्यान रखें सूर्य शुभ प्रभाव में होना चाहिए, राहु केतु या शनि से युत ना हो। अब मान लीजिए सूर्य बारहवें भाव के अंदर जाकर पीड़ित हो गए तो ये स्थिति ठीक नहीं कहलाएगी, और ऐसी स्थिति पिता पुत्र के साथ मतभेद होना, संबंधों में परेशानी होना, या शनि सूर्य का संबंध बन रहा हो कुंडली के बारहवें घर के अंदर यानी युति बन रही हो तो ऐसी स्थिति में आर्थिक संकट बने रहना, या सूर्य पीड़ित हो रहे हो या ग्रहण दोष वगैरह बन रहा हो तब भी जो है कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से कानूनी मामलों में दिक्कतों का अनुभव होना, पिता के साथ मतभेद होना और हीन भावना से ग्रसित रहना, या आत्मबल में कमी महसूस करना या आत्मविश्वास कमजोर होना, इस प्रकार की समस्याएं रहती हैं। अब ऐसी स्थिति में भगवान सूर्य को नित्य प्रतिदिन अर्घ्य दें। मित्रों ध्यान रखें कि दृष्टि का भी यही प्रभाव लगभग होगा, दृष्टि प्रभाव भी होता है, जब दशाएं तब दशाएं होती हैं तो जातक जातिका प्रभावित होते हैं। आइए बात करते हैं शनि के विषय में। मित्रों शनि यदि कुंडली के बारहवें घर के अंदर जाते हैं तो देखिए ट्वेल्थ हाउस के अंदर यदि शनि ग्रह बैठे हुए हैं तो आप देख लीजिए, यदि मकर राशि या कुंभ राशि के अंदर यदि शनि ग्रह बैठे हुए हैं और बारहवें घर के अंदर चले गए या फिर अपनी उच्च राशि यानी तुला राशि के होकर बैठ गए जाकर ट्वेल्थ हाउस के अंदर और योग कारक ग्रह बनकर यदि गए, जैसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली जो है मकर लग्न की है, सॉरी आपकी कुंडली यदि कुंभ लग्न की है तो बारहवें घर के अंदर इनकी ही राशि आएगी शनि की राशि मकर, तो वहाँ पर ये शनि बैठे हुए होंगे तो निश्चित रूप से जो है अच्छा फल देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इनकी दृष्टियाँ कई बार जो है नुकसान कर बैठती हैं, ठीक है, इस बात को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब फल किस प्रकार से रहेगा, देखिए कुंडली के बारहवें भाव के अंदर यदि शनि ग्रह बैठे हुए हैं तो जातक संपत्ति को जोड़ने वाला होता है, संपत्ति बढ़ाने वाला ऐसा जातक कहा जाता है। निश्चित रूप से धीरे धीरे संपत्ति इकट्ठी करते जाएगा और धनवान निश्चित रूप से एक दिन बनता है, लेकिन शुभ प्रभाव में ये शनि होने जरूरी है, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा कई कुंडली ऐसी भी आई हैं जिनमें शनि ग्रह कुंडली के बारहवें घर के अंदर स्वग्रह होकर बैठे हुए तो पता चला शनि की पूरी दशा निकल गई, उन्हें मिला कुछ नहीं, ऐसा क्यों, ऐसे भी जान लेते हैं। देखिए शनि क्योंकि बारहवें घर के अंदर बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से जो है धनभाव को देखेंगे, निश्चित रूप से धन बचाने में जातक को समस्याओं का अनुभव होगा। अब यहाँ पर गुरु की स्थिति महत्वपूर्ण है, यदि गुरु बलवान हुए या गुरु की दृष्टि शनि पर हुई तो निश्चित रूप से धन जो संपत्ति अर्जित कर पाएगा जातक। ऐसे जातक जो शत्रु नहीं होंगे क्योंकि शत्रु अंत योग बनाएंगे, शनि की दृष्टि जो है वो कुंडली के
छठे भाव के अंदर जाएगी तो शत्रुओं का नाश करने वाली होगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य समस्याएं भी देती है, हमने ऐसा पाया है विश्लेषण के दौरान या अध्ययनों के दौरान। इसके अलावा इनकी जो है दसवीं दृष्टि की यदि हम बात करें तो वह कुंडली के भाग्य भाव पर होगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाग्य में जातक जातिका को व्यवधान का सामना करना पड़ता है, चाहे भले ही शनि कुंडली के अंदर योग कारग्रह क्यों न बन रहे हो, जैसे कि मकर लग्न। अब मकर लग्न में योग कारग्रह बनकर ही बैठेंगे, ठीक है, अब सॉरी कुंभ लग्न, कुंभ लग्न में योग कारग्रह ही बनकर बैठेंगे शनिग्रह, लेकिन हाँ फिर भी यदि 36 साल की उम्र आपने क्रॉस कर दी है तो 36 साल के बाद यदि योग कारग्रह बन रहा है तो शनि महाराज जो है निश्चित रूप से कार्यों में सफलता देते हैं, ऐसा भी अध्ययनों के दौरान पाया गया है। भाग्य में हालांकि थोड़ा बहुत व्यवधान हो सकता है, लेकिन 36 जो कुछ भी होगा वो 36 वर्ष के पहले थोड़ा ज़्यादा रहता है, 36 वर्ष के बाद स्थितियाँ काफ़ी बदल जाती हैं। यदि 12th हाउस के अंदर शनि महाराज यदि पीड़ित हो रहा है तो जातक वाचाल किस्म का होता है और शर्म ना करे जहाँ करना चाहिए वहाँ पर भी, ठीक है, ठीक है, ये नहीं कहने का तात्पर्य है कि जहाँ लिहाज ना करें, खर्चीला तो होगा ही होगा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अशांत होगा, और कई बार हालांकि इस प्रकार की अशांतियाँ जो है दृष्टिगोचर नहीं होती हैं लेकिन आंतरिक रूप से जातक स्वयं उसे महसूस करता है, खर्चों से परेशान रहे चाहे वो किसी रूप में क्यों ना हो। आइए चर्चा करते हैं राहु के विषय में। मित्रों राहु की यदि हम बात करें तो कुंडली के 12वें घर का राहु सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं माना जाता, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार इसके नेगेटिव फल मिलेंगे, कुछ अच्छे फल भी मिलते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए 12वें घर के अंदर यदि राहु बैठे हुए हैं, यदि स्वगृही होकर बैठे हुए हैं, स्वगृही का मतलब ये कि कन्या राशि को स्वगृही मानते हैं, और बुध की स्थिति यदि कुंडली के अंदर ठीक और शुभ प्रभाव में यदि राहु आ जाएं तो कानूनी मामलों में सफलता देना, राजनीतिक क्षेत्रों में थोड़ी बहुत सफलता नहीं मिल पाती, हालांकि जातक यदि परोपकारी है, परोपकारी होगा, लेकिन कई बार परोपकारिता जो है दिखावटी होती है, ठीक है, दयावान भी होगा और शास्त्रों का ज्ञाता भी होता है, लेकिन ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं उसके व्यवसाय से जुड़ी हुई होती हैं, और विदेश में भी कहीं ना कहीं यदि वो टेक्निकल है, तकनीकी क्षेत्रों में जातक यदि है तो वह वहाँ पर सफलता प्राप्त कर पाएगा, राहु से संबंधित कार्यों में भी सफलता प्राप्त कर पाएगा। मित्रों राहु से संबंधित कार्य का मतलब ये है कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य, ठीक है, और तकनीकी कार्य, इनकी बात की जा रही है यहाँ पर, खराब कार्यों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और 12वें भाव के अंदर मान लीजिए राहु पीड़ित हुआ है, शनि के साथ युद्ध हो गया है, या फिर 12वें घन के अंदर कुंडली का लग्नेश का शत्रु बनकर यदि राहु ग्रह बैठे हुए हैं खराब स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बुरे कार्यों की तरफ भी ले आ सकता है। ये बुरे कार्य किससे संबंधित होंगे, देखिए डिपेंड करेगा कि राहु किस ग्रह से युद्ध है, क्या वह उसे खराब कर पा रहा है। विशेष रूप से कोई भी ग्रह हो चाहे राहु का, क्योंकि कोई भी ग्रह सागर नहीं है, अच्छे ग्रहों के साथ होगा राहु तो अच्छे ग्रहों के फल को बिगाड़ेगा, बुरे ग्रहों का यदि इनके मित्र ग्रहों के साथ होगा मान लीजिए तो मित्र का भी सागर नहीं है, यदि वह ग्रह कमजोर पड़ा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राहु उससे संबंधित नेगेटिव कार्यों को बढ़ा सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा सतर्कता बरतनी चाहिए। आइए चर्चा करते हैं केतु के विषय में। मित्रों केतु यदि कुंडली के 12वें घर के अंदर है, और देखिए 12वां घर क्योंकि केतु के लिए मोक्ष का कार्य करेगा, 12वां घर में यदि केतु बैठे हुए हैं तो आप देखें भाग्यश मजबूत है और गुरु की स्थिति कुंडली के अंदर मजबूती हो रही है, तो निश्चित रूप से जो है जातक के अंदर साधु संन्यासी के गुण पाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो है जातक मनोवैज्ञानिक होगा, हो सकता है, या कह सकते हैं कि उसकी सोच मनोविज्ञान वाली होती है, ठीक है, अच्छा बुरा जातक समझेगा और निश्चित रूप से जो है धार्मिक कार्यों के द्वारा या फिर परोपकार के माध्यम से ज्ञान अर्जन कर पाएगा और जातक अपने जीवन को समृद्ध कर पाएगा, और धार्मिक कार्यों से जितना भी जुड़ा रहेगा, जितना भी धर्म कर्म से जुड़ा रहेगा उतनी ही तरक्की करेगा। 12वें घर के अंदर मान लीजिए केतु बैठे तो हैं लेकिन पीड़ित हो रहा है, तो पता चला कि व्यक्ति जो है मौन रहेगा, लेकिन जरूर नहीं कि मौन रह रहा है या शांत रह रहा है, चुपचाप रह रहा है या अकेला रह रहा है, तो इसका मतलब ये कि वे अच्छे कार्यों से ही जुड़ा हुआ, कई बार बुरे कार्यों में भी लिप्त हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि भाग्येश यदि कमजोर पड़े, भाग्येश की स्थिति कुंडली के अंदर खराब हुई या गुरु की स्थिति कुंडली के अंदर खराब हुई और केतु पर शुभगुरुओं का प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, तो फिर आप ये मान सकते हैं कि जातक एकांत तो पसंद करता है, लेकिन उसका एकांत जरूरी नहीं कि वो परोपकार वाला हो, जरूरी नहीं कि धार्मिक वाला हो, ठीक है, कई बार मानसिक वेदना, मानसिक चिंताओं के कारण भी जातक एकांत पसंद करता हो, इस प्रकार की स्थितियाँ रहती हैं। कई बार शत्रुओं से भी वह परेशान रहता है, गोपनीय तरीके से हालांकि धन अर्जन कर सकता है, ठगी का यानी ठग हो सकता है, इस प्रकार की स्थितियां भी रह सकती हैं। यदि केतु से समय, केतु हो, मंगल हो, सूर्य हो, शनि हो, राहु हो, कोई भी ग्रह यदि कुंडली के 12वें घर पर यदि दृष्टि डाल रहे हैं या अच्छे शुभ ग्रह क्यों ना हो, जैसे शुक्र गुरु या चंद्रमा या बुध या शुभ, तो ऐसी स्थिति में यदि ये दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है, दृष्टियों के विषय में भी हमें संक्षिप्त में हम समझ लेते हैं, दृष्टि डाल रहे हैं तो आप ये देखिएगा कि ये ग्रह दृष्टि जो डाल रहे हैं 12वें घर के अंदर, तो ये स्वगृही दृष्टि डाल रहे हैं या मित्रगृही दृष्टि डाल रहे हैं या नीच राशि या शत्रु राशि की दृष्टि डाल रहे हैं। यदि स्वगृही मित्रगृही उच्च राशि की दृष्टि होगी तो लाभ देगी, यदि नीच राशि की या फिर शत्रु राशि की दृष्टि होगी या लग्नेश के शत्रु बनकर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे होंगे तो अड़चन देंगे।
तो ऐसी स्थिति में जो ग्रह समस्या दे रहा हो उस ग्रह की दशा अंतरदशा के दौरान उससे संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं या उससे संबंधित कुछ अच्छे उपाय कर सकते हैं। दान का रहा सवाल, तो दान के लिए तभी करें कि जब कुंडली का वो योग कारक ग्रह ना बन रहा हो। योग कारक ग्रह बन रहा हो तो वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप करें या फिर उनके आराध्य देव जो भी हों उनकी पूजा अर्चना करें, उनसे प्रार्थना करें, ठीक है। और यदि योग कारक ग्रह नहीं है, पीड़ादायक ग्रह बन रहा है कुंडली के अंदर, लग्नेश का शत्रु है, तो निश्चित रूप से आप उस वस्तु का, उससे संबंधित वस्तुओं का दान उससे संबंधित वार के दिन कर सकते हैं। मित्रों आइए अब चर्चा करते हैं कि यदि कुंडली का बारवा भाव जो है वो खाली हो जाए, ठीक है, कोई ग्रह ना बैठा हुआ हो तो कैसा रहेगा ये। देखिए कुंडली का बारवा भाव खाली है, इसका मतलब ये है कि उसमें जो राशि का अंक लिखा हुआ है वह भी अपने घर को ना देख पा रहा हो, या किसी भी ग्रह की दृष्टि कुंडली के बारहवें घर पे अंदर ना हो, तो ये भाव खाली माना जाएगा। अब कुंडली का बारवा भाव खाली होना अच्छा है या बुरा है ये समझने वाली बात है। देखिए कुंडली का बारहवा भाव खाली होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बारहवें भाव का स्वामी ग्रह कहीं बैठा होगा। अब जहाँ पर भी बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा, उस भाव से संबंधित चीज़ों को वह करवा देगा ये, तो मतलब उस जिस भाव में बैठेगा वहाँ पर वह करवाएगा, लेकिन खुद का प्रभाव क्या होगा। देखिए यदि कुंडली के बारहवें भाव को में कोई ग्रह बैठा हो तो या तो शुभ ग्रह बैठे हुए हों स्वगृह मित्र की उच्च राशि के होकर तो ये अच्छा माना जाएगा, या फिर शुभ ग्रहों का दृष्टि प्रभाव ये भी ठीक है करते हैं। यदि बारहवें घर के अंदर कोई ग्रह बैठा हो तो क्रूर ग्रह बैठा है अगर, लेकिन स्वगृह मित्र ग्रह उच्च राशि को अगर बैठा हुआ होना चाहिए तो ठीक है, दृष्टि प्रभाव यदि दिखाएंगे तो ठीक है, लेकिन शुभ ग्रह का बैठना मैं ज्यादा उचित नहीं मानूंगा। शुभ ग्रह यदि बारहवें घर के अंदर बैठेंगे तो जिन भावों के स्वामी ग्रह बन रहे हैं उस भाव से संबंधित चीजें कमजोर पड़ती हैं, लेकिन दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं तो निश्चित रूप से दृष्टि प्रभाव, शुभ ग्रह की दृष्टि यदि बारहवें घर के अंदर पड़ जाती है तो वहां से संबंधित समस्याओं का निवारण काफी हद तक कर देती है। तो बारहवें घर के अंदर शुभ ग्रहों की दृष्टि का पड़ना ठीक है, शुभ ग्रह का बैठना उतना ठीक नहीं है, लेकिन क्रूर ग्रह यदि बारहवें घर के अंदर बैठ जाते हैं लेकिन स्वगृह मित्र की उच्च राशि को बैठते हैं तो निश्चित रूप से वहां की समस्याओं का वह निवारण करते हैं। अधिक बलवान ग्रह नहीं होना चाहिए, यानी अंशात्मक रूप से ज्यादा बलवान वह ग्रह नहीं होना चाहिए। ज्यादा बलवान होगा तो कई बार जातक या जातिका जो है का जो स्वभाव भी उग्र हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हालांकि कुंडली विश्लेषण का विषय है और अध्ययनों के दौरान देखा गया है ऐसा कि बारहवें घर के अंदर या छठे भाव के अंदर क्रूर ग्रहों का बैठना सामान्यतः ठीक है, लेकिन ज़्यादा बलवान नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बलवान हुए तो समस्याएं होने लग जाती फिर। और शुभ ग्रह यदि बारहवें घर को देखते हैं तो ये ठीक है। खाली होना रहा सवाल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं खाली भाव की, यदि बारहवां भाव खाली हो तो, देखिए बारहवां भाव यदि खाली होता है तो खाली भाव होना उतना खराब नहीं है। खराब ये है कि बारहवें घर में नीच ग्रहों का बैठना, किसी प्रकार के नीच ग्रहों का बैठना ये खराब होता या अशुभ ग्रहों का बैठना खराब होता। मित्रों कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।